सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई है ताकि गरीब परिवारों को भी पक्का आवास मिल सके, परंतु बहुत अफसोस की बात है कि वाराणसी जिले के चोलापुर ब्लॉक के भरतपुर गांव में सीला देवी सहित कुल 50 परिवारों का आज तक पक्का आवास नहीं बना है। समस्या हमारे यही है मैडम कि आनी तूफान वाला हमारे मड़े झोपड़ी उड़ जाला, धूप रहला तो तपला, अगर गर्मी जाड़ा वाला तो इतना ठंड गिरला कि हम लोग काँपी ला, हम लोग के कौन जैसे ठिकाना ना रहला। बारिश के दिन में तो पूछा मत, दो अक्तर का रोटी हम लोग के ना मिलला, अगर बारिश हुई तो कभी आटा भीग जाए तो कभी चावल भीग जाए तो कभी चूल्हा पर पानी गिरे एकदम अड़ेरा बेड़ेरा टूट के बैठ जाला, हम लोग के खाए के भी समस्या हो जाला। घर नहीं होने से क्या कभी कोई हादसा हुआ था आपके यहाँ? हाँ मैडम, घटना ये घटी कि मड़ई गिर गई मेरी, आंधी आई बहुत तेज से, और वो जो पेड़ गिरा इसके बाद मेरी भैंस दब गई, उसमें एक मेरी बेटी गिर दब गई, उसका स्वर्गवास हो गया, यही मेरा घटना घटा है। मैडम जी एक बार ऐसे बल्ला टूट गल, पूरा मड़ई हमार बैठ गई, एकरे बारे में हम फिर कली प्रधान जी कुछ आवास ओवास हमके दिवा देते, बड़ी समस्या हमके लगत है कलन की हमरे केहन कोनो सुविधा साधन है ये ना हो, जब आई तब बताई ऐसे ऐसे करके 20 साल पूरा गुजर गल, 3 प्रधान नैलन गेलन कोनो एकदम सुनवाई ना भेल। मैं और मेरा समुदाय ये चाहता है कि सभी परिवारों का पक्का आवास बने ताकि लोगों की समस्या दूर हो सके। मैं वीडियो देखने वाले आप सभी दर्शकों से अपील करना चाहती हूं कि आप चोलापुर ब्लॉक के वीडियो के मोबाइल नंबर 9454-4652-88 पे कॉल करके दबाव बनाएं ताकि लोगों की समस्या दूर हो सके। मैं शबनम वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहट के लिए।